गुड मॉर्निंग। देखिए आज हम बहुत ही एक अच्छा आपका टॉपिक ले रहे हैं, डिएक्शन प्रोडक्ट खाने से कैंसर नहीं होने देता है क्यों। देखिए कैंसर आज जो कहा जाए तो कैंसर बहुत बड़ा लोग को दिमाग में, जब ये कैंसर का दिमाग में आता है तो हर एक आदमी क्या होता है, बेचैनी आना शुरू हो जाता है, ठीक है। और बहुत आदमी का क्वेश्चन भी था कि सर एक कैंसर पर आप प्रोडक्ट कीजिए, वीडियो बना दीजिए। देखिए सर, कैंसर कोई बीमारी नहीं है और उससे बड़ा बीमारी भी नहीं है। देखिए इसका बचाव है, कहने का मतलब है कि कैंसर रिएक्शन प्रोडक्ट उपयोग करने से आपको कैंसर नहीं होने देगा। क्यों? पहला देखिए कि आज कैंसर होने का कारण क्या है, हम लोग का लाइफ स्टाइल, खान पान। अगर पहले, अगर 10-20 साल पहले जाइए तो कैंसर हम लोग सुनते थे क्या? कभी कभी सुनते थे, किसी किसी को सुनते थे। आज के डेट में अगर बात करिएगा तो लोग को कहता है कि बच्चे को ब्लड कैंसर हो गया, उसको ब्रेन ट्यूमर हो गया, कारण क्या है? उस कारण पे हम लोग को आज हम जो बात करेंगे, तो मेरा ये नहीं है वीडियो बनाने का मकसद है कि आपको डराना, आपको सचेत करना है कि अगर कुछ कुछ चीज़ में अगर बदलाव करते हैं तो आपके शरीर में कैंसर सेल कभी उत्पन्न होगा ही नहीं। अब देखिए बदलाव क्या करना है, आज के डेट में देखिए कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, हवा, दूसरा हो गया पानी, और तीसरा हो गया आपका भोजन, और चौथा आपका हो गया लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल मतलब कि जैसे 4 से 5 AM में हम लोग को कहता है उठने के लिए, हम लोग क्या करते हैं 7 से 9 AM में कहीं उठते हैं। ये लाइफ स्टाइल के कारण से भी आपका आपका बीमारी जो भी अभी कैंसर जो आज के डेट में हो रहा है वही कारण है, हवा पानी भोजन, ठीक है सर जी। आज डिएक्शन के माध्यम से हमको ये आपको आगाह करने का मतलब कि अगर आपको हम ये चीज़ बताना चाहते हैं कि डिएक्शन प्रोडक्ट खाने से आपको कैंसर नहीं होने देता है। अब ये कि अब जो मान लीजिए डिएक्शन प्रोडक्ट नहीं खा रहा उसको कैंसर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हर एक जगह अपना क्या है, हर एक आदमी का जीने का स्टाइल अलग अलग है, ठीक है। मज आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अगर कुछ आप अपने बॉडी में लेते हैं तो अपने आप को सेफ्टी जोन में चले जाएंगे। जैसे आज अगर बात किया जाए तो अभी किसी आपका सरकार पे चाहे किसी पे हम आपको क्वेश्चन नहीं करेंगे, हर एक जगह क्या है हेल्थ इंश्योरेंस लिखा रहता है, हेल्थ इंश्योरेंस। मज उसको बताइएगा हेल्थ मतलब कि स्वास्थ्य इंश्योरेंस लेते हैं हम लोग। मज अगर बात करिएगा तो कब जाके ये इंश्योरेंस अगर उपयोग करते हैं तो कब उपयोग करते हैं, जब कोई बीमारी में चले जाते हैं, कोई डायबिटीज में, कोई बीपी में, कोई बड़ा बीमारी में जाते हैं तो इस इंश्योरेंस को क्या करते हैं वहाँ जाके भजाते हैं। तो इसका मतलब हेल्थ इंश्योरेंस नहीं हुआ, वह बीमार इंश्योरेंस हो गया। अगर बीमारी में आप जाते हैं तब इस इंश्योरेंस को आप लाभ ले सकते हैं। भाई डिएक्शन का जो भी प्रोडक्ट है वह क्या है, हेल्थ इंश्योरेंस है। मतलब कि इसको खाते रहेंगे तो आप कभी बीमार में जाएंगे ही नहीं, समझना यहाँ जरूरी है, नहीं समझे। आज के डेट में अगर मान लीजिए आप कैंसर होता है तो आदमी क्या लगता है माथा, अभी किसी घर में एक आदमी को अगर कैंसर हो जाता है, ये टॉपिक लंबा है, आज हमको एक आदमी कमेंट किया था इसीलिए हम सोचे कि बना देते हैं वीडियो, अभी भी कमेंट में है कि आपको कमेंट किया था कि बबलू भाई एक ऐसा वीडियो बनाइए जो कैंसर पर ही बनाइए कि आदमी को समझ में। तो हम ये आपको बना रहे हैं कि कैंसर कोई बीमारी नहीं है और उससे बड़ा बीमारी भी नहीं है, जिसको लग जाता है उसके लिए बड़ा बीमारी हो जाता है। अगर कोई आदमी इसको समझ गए हैं तो आप अपने लाइफ स्टाइल को सही करिएगा तो आपके शरीर में कैंसर लगेगा ही नहीं, ठीक है। आप देखिए लाइफ स्टाइल चेंज करने का मतलब क्या हो गया कि पहले के समय में अगर बात करिएगा तो पहले के समय में क्या था, पहले अगर जाइएगा आप 10 साल 15 साल 20 साल बैक जाइए आपको क्या होगा, पहले अगर बैक में अगर जाइएगा कुछ बैक पोजीशन में जाइएगा आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा, पहले आदमी क्या करता था, जंगल में रहता था। जंगल में रहने का मतलब क्या होता था कि वह उसका हस्बैंड क्या करता था, शिकार करने के लिए जाता था, उसका जो महिला रहती थी घर में रहती थी। तो पहले क्या होता था, इतना खाद केमिकल का उपयोग नहीं होता था। धीरे धीरे मानव क्या किया, यहाँ घर बनाना शुरू किया, उसका लाइफ स्टाइल बढ़ना शुरू किया, तो उत्पादन ज़्यादा करना शुरू कर दिया, उसमें केमिकल फर्टिलाइजर का ज़्यादा उपयोग करना शुरू किया। आज उसी का धीरे धीरे हम लोग हाई टेक्नोलॉजी में जाते जाते अभी इतना टेक्नोलॉजी बढ़ गया है क्या समझे, कि आप ड्रोन से आपका छिड़काव हो रहा है, नहीं समझे, कि आपका जो भी आपका केमिकल कौन चीज़ हुआ ड्रोन से आपका छिड़काव हो रहा है। इतना आधुनिक होते होते जितना आधुनिक में जाइएगा उतना आपके शरीर में क्या होगा, कैंसर सेल आपके शरीर में पनपेगा। तो देखिए पहला जो कैंसर सेल मेन होने का कारण है कि हवा। आज के डेट में अगर बात करिएगा तो पहले अगर बात करिएगा तो किसी एक आदमी के पास गाड़ी था, आज एक गाँव में खोजिएगा तो हज़ार नहीं जितना आदमी है उसके एक आदमी के पीछे दो गाड़ी लगा हुआ, तीन तीन चार चार गाड़ी लगा हुआ। तो गाड़ी से कौन चीज़ निकलता है सर जी,
धुआं निकलता है, वह क्या करता है, लंग्स को अगर इफेक्ट करेगा, लंग्स को इफेक्ट करेगा तो लंग्स कैंसर हो जाएगा। नहीं समझे? अभी जैसे अभी पानी हो गया तो ज़्यादा मात्रा में, अगर आज के डेट में पानी का TDS लेवल मिनिमम कहता है 40 से 50 के बीच में पीने के लिए, मगर हम आप क्या करते हैं, अभी अगर पानी का लेवल चेक करिएगा तो लगभग आपका 200 से लेकर आपका 300 350 लेवल का पानी आपका मिल जाएगा। तो ये क्या करता है, लीवर को इफेक्ट करता है, लीवर कैंसर हो गया आपका, स्टोन आ गया, ये सब आपका हो गया, क्योंकि पानी भी आज क्या करते हैं, शुद्ध आपका नहीं मिल रहा। अगर भोजन का बात करिएगा, अभी लीवर कैंसर होने का मतलब क्या है, अभी मेन तेलिए, अभी खान पान में WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि आधा किलो आपको कहता है दूध लेने के लिए, हाफ केजी कहता है सब्जी लेने के लिए, फल लेने के लिए हाफ केजी कहता है सब्जी लेने के लिए, 100 ग्राम कहता है आपको दाल लेने के लिए, 100 ग्राम आपका ड्राई फ्रूट काजू किशमिश, अगर मांसाहार स्रोत से लेते हैं तो हाफ केजी मीट को बॉयल कर लीजिए, हाफ केजी मछली को बॉयल कर लीजिए, अंडा लेते हैं तो बीच वाला भाग से निकाल के 10 पीस लीजिए। आज के डेट में अगर बात करिएगा तो कोई भी आदमी इतना फुलफिल नहीं कर पा रहा है, करते भी हैं तो क्या करते हैं, टोटल कौन चीज़ पर डिपेंड है, मार्केट, बर्गर पिज्जा जो भी होता है, आज इतना कल्चर हो गया है, इतना एडवांस कल्चर हो गया है कि आज अगर बात करिएगा तो बहुत सारा आदमी क्या है, आज अगर बात करिएगा बहुत सारा आदमी का लाइफ स्टाइल क्या हो गया, खाना ऑर्डर से आता है, तो टोटल बीमारी कहाँ से, कैंसर आपके शरीर में कहाँ से पनप रहा है, कितना दिनों का, क्योंकि आपका जो लाइफ स्टाइल, आप जो भोजन कर रहे हैं भैया, यही भोजन क्या होता है, दूषित चीज़ लीजिएगा तो क्या होगा, अगर दूषित चीज़ अगर लीजिएगा तो अंदर जाएगा दूषित चीज़, क्या करेगा आपको, शरीर को क्या करेगा, दूषित करेगा। तो ये जो आपका भोजन को भी कंट्रोल करना होगा, पहला तो हो गया हवा पानी भोजन, अगर भोजन को अगर सही मात्रा में नेचर से आपको जुड़ना होगा, जैविक खाद देना होगा, आपका कीटनाशक ने जैसे नीम से आपको बना के इसको कीटनाशक में प्रयोग करना होगा, केमिकल का हम लोग क्या करना है कि नेचर से जुड़ जाइएगा, ऑटोमेटिक क्या होगा कि आपके शरीर में कैंसर बनेगा ही, कैंसर सेल बनेगा ही। तरह तरह का मसाला देते हैं, मसाला में भी कलरिंग आता है, कलरिंग हो गया, अभी जो चाय पीते हैं तो उसमें भी कलर डालने के लिए बहुत सारा केमिकल एसेंस का उपयोग किया जाता है। तो मेरा कहने मतलब कि खान पान से भी कैंसर का आपका सबसे ज़्यादा वही है, खान पान ही है, कि इसको खान पान को ही आपको सही करना होगा। तीसरा चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है क्या कि कहता है कि जब भी आप जगिए तो 4-5 बजे जग जाना जरूरी है, क्योंकि जो मोटापा ज़्यादा, अगर मान लीजिए किरण अगर आपका सूर्य उग गया है उसके बाद अगर सोते हैं तो मोटापा का शिकार होना शुरू हो जाइए। इसीलिए कहा जाता है कि सवेर में आप 5 बजे जग जाइए, हो सके तो घूमिए जितना ज़्यादा हो सके, इस पर हम भी काम कर रहे हैं, हम भी चाह रहे हैं कि जितना हमारे जगते हैं तो हम प्रयास करते हैं कम से कम आपका, आपको जगे तो आप घर से निकल जाइए, ठीक है। ये अगर मान लीजिए कि टहलते हैं तो ये आपका लाइफ स्टाइल क्या है, आज हर एक आदमी कहा जाता है मोबाइल पे स्क्रॉल करते रहते हैं, अगर बात करिएगा तो महीना में लगभग 12-15 किलोमीटर हम लोग हाथ को ऐसे ऐसे करते रहते हैं, ये करते हैं, इससे क्या होता है डिप्रेशन का आपका शिकार होने का मेन कारण ये भी है। आप देखिए कि कैंसर, हम अभी आपको बता रहे हैं कि ये कारण है कैंसर को, कि हवा पानी भोजन मेरा, आपका लाइफ स्टाइल है, मोबाइल है, बहुत सारा रेडिएशन है, ये इसके कारण से क्या होता है कि हम लोग के शरीर में कैंसर सेल बनता है, छोटा सेल बनता है, सेल से क्या हो जाता है, ट्यूमर हो जाता है। जब ही आपके शरीर दिमाग में आता है कि हमको कैंसर हो गया, इस परिवार का हाल जाके एक बार पूछिएगा, क्योंकि ये विषय क्या है, गंभीर है, उस पर अगर चर्चा करेंगे तो लगभग आपका 1-1.25 घंटा लग जाएगा, मगर यहाँ आदमी के पास, किसी के पास समय नहीं है। ये आपका क्या है कि नेचर से जुड़िए ना, आज कोई भी आयुर्वेदिक कंपनी है चाहे जो भी आपका आयुर्वेद का है, आपको इलनेस पे काम नहीं करना, नेचर से बना हुआ था, हमको क्या करना है कि आपको बीमारी पे नहीं काम करना, बीमारी के कारण पे काम करना है। अभी कारण हमको क्या बोले, हवा पानी भोजन, इसको शुद्ध करना है, नहीं समझे? अब क्या है कि हवा को भी शुद्ध इसीलिए नहीं कर सकते, दिन प्रतिदिन आपका गाड़ी का जनसंख्या बढ़ रहा, अगर आप पानी का बात करिएगा तो आदमी यूरिया DAP जितना केमिकल होते हैं जो आपको डालते हैं खेत में, ये अंदर तक लेवल तक जा रहा है, इसके बाद भोजन में कहीं इसको चेंज नहीं कर सकते, मतलब कुछ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है कि जो आपको बचा सकता है। जैसे कि अगर बात हम ये नहीं कर रहे हैं कि बहुत सारा कंपनी है आयुर्वेद में, हम किसी का नाम नहीं लेंगे, मतलब हर एक आदमी क्या करते हैं, जो भी आयुर्वेद है उसको आपका परखिए, नेट पे जाके देखिए, हम ये नहीं कर रहे हैं कि आँख कहिए मुन के आप विश्वास करें, रिएक्शन का भी प्रोडक्ट है तो 2004 से हम लोग ले रहे हैं, आज हम लोग लेने के बाद क्या है कि बहुत सारा जो मान लीजिए कैंसर प्रभावित है उस पर दिए अच्छा रिजल्ट हो गया है, क्यों, रिएक्शन कभी नहीं कहता है कि कैंसर को जड़ से ख़त्म कर देगा, दिमाग में हमेशा रखिएगा, क्योंकि आपके शरीर में कितना मान लीजिए कि शरीर में इम्यूनिटी कितना मजबूत है, ये क्या करता है, इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करता है कि आपके शरीर में कभी कैंसर सेल नहीं आने देता।
अब देखिए सर, कुछ कुछ प्रोडक्ट यहाँ पर है हम लोग के पास जो आपको कैंसर सेल्स से आपको बचाएगा। पहला देखिए कि हम लोग के पास क्या है, यही मेन हम लोग का क्या है, यही आपका रेड गेनोडर्मा, ठीक है, यही आपका मशरूम है। मशरूम जो जिसको गांव घर में गोबर पुग जाता है, क्योंकि इतना समय नहीं है सर, तो हम इसको शॉर्ट कवर मारते हैं, ठीक है। अब देखिए ये इसका काम क्या है, गेनोडर्मा, जैसे गांव घर पे देखते होंगे जिसको हम लोग मशरूम भी कहते हैं, गोबर पुग जाता है, गोबर टाल पुग जाता है, टाल छत्ता, अगर आपको बहुत जगह जाइएगा उसका अलग अलग तरीका का नाम है, ठीक है। आपका देखिए इसका काम क्या है कि ये 20 मीटर ग्रेन से क्या करता है, कचरा को इन्वॉल्व करता है। आज के डेट में मान लीजिए कैंसर, मान लीजिए बहुत आदमी कहता है कि यहाँ गांठ हो गया, मतलब गांठ मतलब क्या, कचरा, कचरा कहीं यहाँ उग रहा है, तो मतलब कि कचरा उग रहा है, ब्रेन में उग रहा है तो ब्रेन में कर जाए, वो रास्ता बना लेता, मान लीजिए रास्ता बना लेता, जैसे अभी कीचड़ में पैर डालते हैं तो क्या होता है, पैर तो धंस जाता है, कीचड़ बाहर निकल जाए, इतना निकल जाएगा। तो जो हम लोग हवा पानी भोजन के लाइफ स्टाइल के माध्यम से शरीर में लेते हैं, अगर वह निकल नहीं पाता, क्योंकि कारण है कि डेली शरीर में कैंसर सेल बनता है, और इसको अगर शरीर आपका इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत है तो इसको क्या करता है, बाहर कर देता है। अगर किसी का इम्यूनिटी सिस्टम अगर कमज़ोर हो जाता है तो वह रहना शुरू हो जाता है। आप डेली इस रूम को अगर सफैया नहीं करिएगा तो क्या होगा, कचरा हो जाएगा, ऐसे करिएगा तो कहीं देखिएगा इतना कचरा हो गया, तो डेली साफ होना चाहिए। तो डॉक्टर लिम जो इस कंपनी का ऑनर है, उन्होंने देखा इसका काम क्या है, ये 20 मीटर ग्रेन से कचरे को घिसता है। तो आज के शरीर के माध्यम से जो हवा पानी भोजन के माध्यम से आपके शरीर में कचरा गया, इसका काम क्या है, ये कचरे को घींचना, घींचना। तो आप डॉक्टर लिम देखिए कि भैया ये उत्पादन करना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि उस पर जाएंगे तो लंबा आपका समय लग जाएगा। तो हम लोग का ये दो प्रोडक्ट है, एक ऊपर वाला भाग, ये ऊपर वाला भाग के सत्तू से, जो ये ऊपर वाला भाग का सत्तू है, और ये आपका क्या है, जड़ वाला भाग का सत्तू है। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि ऊपर वाला भाग का सत्तू का काम क्या है, जड़ वाला भाग का। पहला देखिए, ये ऊपर वाला भाग का सत्तू का काम क्या है, इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाना। कहा भी गया है कि जिसका शरीर में इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होगा उसके शरीर में कभी कैंसर सेल उत्पन्न नहीं होगा। दूसरा है टॉक्सिन शरीर से बाहर निकलना। बाय द वे, हवा पानी भोजन के माध्यम से क्या किए, बर्गर खाएं, आपको समोसा खाएं, तो आपके शरीर में कचरा गया, तो ये क्या करेगा, क्या करेगा, ये इसका काम है डिटॉक्सीफाई करना, ये साफ करेगा, तो आपके शरीर में कभी कैंसर सेल पैदा होने नहीं देगा। दूसरा क्या है कि बॉडी फंक्शन को नॉर्म कर लेगा, ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करेगा। मान लीजिए ब्लड सर्कुलेशन जो अवरुद्ध हो जाता है, क्यों हो जाता है, कचरा फंसने से, इसका काम क्या है, कहीं पूरे शरीर में आपके शरीर में कचरा रहने ही नहीं देगा। इसके बाद क्या है, एनर्जी प्लस एंटी, इसमें क्या करता है, एनर्जी मतलब कि आगे इसको लेने के बाद आपको क्या लगेगा, पूरा शरीर क्या है, तरोताजा, नहीं समझे, प्लस क्या है, एंटीऑक्सीडेंट मतलब कि आपके शरीर में कोई भी कैंसर सेल, एंटीऑक्सीडेंट मतलब क्या है कि पूरे बॉडी को आपको रिफाइन कर देगा ये, नहीं समझे। अब ये हो गया आपके पूरे शरीर में हवा पानी के माध्यम से जो कचरा गया इसको ये साफ कर दिया। और ये है जीएल, इसमें क्या है, मेटाबॉलिज्म बूस्टर, स्ट्रिक्ट लिवर न्यूट्रिशन, मतलब कि इसमें क्या है कि 650 का आपका न्यूट्रिशन है। ये आपके शरीर में जब ये आपके शरीर को डिटॉक्सीफाई करेंगे तो शरीर में क्या आता है, कमजोरी आता है, तो ये आपका न्यूट्रिशन भी सप्लाई करता है, एंटीऑक्सीडेंट, इम्यून मॉड्यूलेट प्लस रीप्रोसेसिंग में सहायक। इसका काम क्या है कि आपके बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई भी कर सकता है। अब हम लोग को क्या करना है कि हम ये करते हैं कि हर एक आदमी अभी रिएक्शन प्रोडक्ट खाने से कैंसर नहीं होने देगा, हम क्या कर रहे हैं, अब मजबूरी में हमको क्या है, आज अगर जीना है तो हवा पानी भोजन लेना है, दूसरी चीज लेना है, मजबूरी में क्या करिए, ये मशरूम का क्या है, ये ऊपर वाला भाग का सत्व है, तो कोई दवा है क्या, सवेर उठिए एगो, कम से कम इसमें कहा जाता है एक सुबह दोपहर शाम, तीन गो अगर डेली इसमें लेते हैं और तीन गो इसमें से डेली लेते हैं, तो ये आपके शरीर में क्या हो गया, कचरा नहीं आपको होने देगा, तो कहीं ट्यूमर नहीं होगा आपका। ये क्या करेगा, आपके शरीर में जो एनर्जी होता है, जो ऑक्सीजन लेवल होता है, उसको क्या करेगा, पोषक तत्व को बरकरार रखेगा। आदमी दो ही कारण से बीमार होता है, एक शरीर में कचरा जाने से, एक पोषक तत्व की कमी से। अगर ये दोनों प्रोडक्ट अगर लेते हैं तो बड़ी लंबा समय में क्या हुआ कि कभी आप कैंसर में नहीं जा सकते, कैंसर से आप बचे रहेंगे, कैंसर कोई बीमारी नहीं है, इससे बड़ा बीमारी भी नहीं है। अगर इसको अगर आप लेते रहते हैं तो बड़ा से बड़ा बीमारी से आप नहीं रुक सकते हैं, आपको जाने ही नहीं देगा। अब क्या है कि शुरू में अगर बात करिएगा तो ये महंगा है, अगर बाद कोई किसी को अगर मान लीजिए कोई कैंसर में चले गए हैं तो इसको खाइएगा, धीरे धीरे कैंसर से बाहर आ सकते हैं। मत जो मान लीजिए अभी कैंसर बने गए हैं तो आप लोग को लगता है कि सर ये महंगा है, उनको क्या किए डॉक्टर लिम सर क्या किए कि भैया एक गरीब आदमी भी आप कैंसर से आप बच सकते हैं, अपने जो हवा पानी भोजन में जो कचरा जा रहा है उससे बच सकते हैं, उसी का अंश क्या किए चाय पत्ती में मिला दिए। आज कहीं ना कहीं हम लोग क्या करते हैं कि दूध वाला चाय बना के क्या करते हैं, दूध चीनी पानी को उबाल के क्या करते हैं, कप का प्याला में देखते हैं छाली छाली आ जाता है, लस्सापन आता है, दिन में लोग 4-5 बार चाय पीते हैं, गैस, एसिडिटी, बहुत सारा समस्या आज 90%
इसी में, हाँ इसी में क्या होता है, चाय पत्ती डालते रहते हैं डालते रहते हैं डालते रहते, उसके कारण से क्या होता है, यहीं से बीमारी आपका होना। देखिए चाय जो ज़्यादा पिएगा गैस बनेगा, आपका लेटिंग आपका कब्ज होगा, बवासीर, बहुत सारा समस्या। मज हम भी आपको कह रहे हैं चाय पीने के लिए, मज इस चाय में क्या है, ये RGGL का आपका पाउडर डाला हुआ है। तो आप क्या करना है, आपको पानी को गर्म कर लेना है, एक लीटर उसमें चाय पत्ती ये डाल देना है, और ये नमक डाल के आप क्या करिए, इसको जितना ज़्यादा होता है ये आपका लाल पानी को आपको क्या करना है, पीना है जितना ज़्यादा हो सके। अगर मान लीजिए कि आपके शरीर में कोई इंडिकेट नहीं है कि अगर आप चाहते हैं, हम गरीब आदमी हैं सर, हम RGGL में सक्षम नहीं है, अगर जो सक्षम है जिनके पास भगवान पैसा दिया है तो भैया खाइए, हम इसको मना नहीं करेंगे, आप खा सकते हैं। इसमें लिखा हुआ 3 कैप्सूल कोई भी स्वस्थ इंसान भी ले सकता है। अगर जो देखते हैं कहीं कमज़ोर है तो हम लोग क्या करना है, चाहिए भर दिन पीते रहिए ना, कि आपके शरीर में कभी कैंसर सेल बनने ही नहीं देगा। तो चाय आपका बहुत कारगर हो गया। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि शरीर में आपका क्या होना चाहिए, ब्लड भी रहना जरूरी है, खून की कमी। आज बहुत सारा पुरुष में महिला में क्या होता है, खून का कमी होता है। अब देखिए हम लोग के पास क्या है, ये स्पायलोना है। इसका काम क्या है कि स्पायलोना में गाय के दूध से 14 अधिक पोषक तत्व पाया जाता है, स्पायलोना में सोयाबीन से 2, अंडे से 6 अधिक क्या प्रोटीन है, स्पायलोना विटामिन B12 का एकमात्र शाकाहारी स्रोत है, इस धरती पर सबसे अधिक क्लोरोफिल मतलब जिंदा ब्लड बनाने का काम करता है। स्पायलोना 100% जो क्षारीय है, जो हमारे शरीर का क्या करता है, पीएच लेवल मेन चीज़ है, pH level 7 रहना चाहिए। तो हम लोग कहता है 80% साग सब्जी खाने के लिए 20% तेलीय पदार्थ, मजाज के डेट में क्या उल्टा है। पहले के समय में देखते होंगे लोग साग सब्जी ज़्यादा खाते थे, मीट मछली भी लाते थे तो अपने यहाँ से अपना उत्पादन करके पोखर सब में रहता था। अभी क्या है, टोटल को क्या है, जो भी आपका मुर्गा है सबका क्या है, सबका हाइब्रिड होते जाता है, सब पे क्या होता है, सुई लगता है, केमिकल लगता है, यही हो गया ऑक्सीटॉक्सी लगता है। तो आज हम लोग क्या किए हैं कि 80% फ्राई खाते हैं, 20% क्या खाते हैं, साग सब्जी, उल्टा हो जाता है। जब ये आपके शरीर में एसिड बनेगा तो क्या होगा, जब ये आपका शरीर में एसिड बनेगा तो गैस बनेगा। तो जब ये स्पायलोना 3 सुबह 3 शाम लेंगे, एसिड को ये क्या करता है, क्षारीय में कन्वर्ट कर देता है। मतलब कि आप नमक रोटी भी लिए, जो भी लिए, उसको लेते रहिए, मज इसमें से 3 सुबह 3 शाम लीजिए। आपके भोजन में जो आपका गलत चीज़ गया है, एसिड गया, इसको क्या करेगा, ये क्षारीय में कन्वर्ट करेगा। आज इससे भी बहुत सारा क्या है कि बहुत सारा आदमी के शरीर में ब्लड नहीं बनने के कारण से बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि आपका शरीर मजबूत नहीं रहेगा तो आपके शरीर में कोई बीमारी जाएगा तो क्या होगा, बीमारी नहीं निकल पाएगा। कैंसर सेल अगर नहीं निकलेगा धीरे धीरे क्या होगा, अपना रास्ता बना देगा। तो हम लोग को कहना है कि कोई भी आदमी है तो ये चाय स्पायलोना आपको लेना जरूरी है। साथ में अगर मान लीजिए एक नूनी है, अब देखिए नूनी का काम क्या है कि देखिए जिस तरह से हम लोग क्या करते हैं, जैसे अभी खेत बीमार हो गया तो खेत में क्या डालते हैं, अभी भारत सरकार बिहार सरकार जैविक खेती को और कर रहा, क्यों कर रहा है कि भैया अगर आप यूरिया डालते हैं, यूरिया के बोरा पर लिखा रहता है नाइट्रोजन 46%, ठीक है, अगर 100 किलो खाद देते हैं तो 46 घटाइए, ये आपका 54 क्या हो गया, ये केमिकल कचरा है जो ज़मीन के अंदर डाला जाता है। ये 46% तो आपका पौधा ले लिया, नाइट्रोजन होकर वो जमान हो गया, हरा भरा हो गया, ये 54 क्या है, ज़मीन के अंदर जाके बैठ रहा है, उसके कारण से क्या हो रहा है, आज ज़मीन बंजर हो रहा है। भारत सरकार बिहार सरकार का कहना क्या है, अगर आपको चाहिए ज़मीन को अगर बचाना है तो आपको क्या डालना है, गोबर डालिए, छोट डालिए, केचुआ पैदा होगा, धीरे धीरे ज़मीन के जो भुरभुरा होगा। उसी तरह से क्या है, हम लोग का शरीर है, हम लोग क्या करते हैं, अंग्रेजी दवा डालते हैं, अंग्रेजी दवा में क्या है, 10% दवा का अंश है, 90% क्या है, केमिकल कचरा। अब ये 10% जाके माथा दर्द को ख़त्म कर दिया, 90% जाके यहाँ ट्यूमर बना दिया, गांठ बना दिया। तो भैया इसका काम क्या है, जिस तरह से गोबर खेत में गोबर देना जरूरी है, इसी तरह से हम लोग का ये क्या है, जैविक गोबर है। जब ये आपके ये शरीर में जाएगा तो ये प्री कैंसर प्लस कैंसर ट्यूमर अगर कहीं आपके शरीर में बना भी है तो इसको क्या करेगा, ध्वस्त कर देगा। पहला समझ गए। दूसरा है इसका जो अंग्रेजी दवा जो हम लोग लेते हैं, अंग्रेजी दवा का साइड इफेक्ट को भी खत्म कर देता है। तीसरा इसका काम है टी सेल निर्माण कर देना, टी सेल मतलब कि न्यू सेल आपके शरीर में बना देगा। मान लीजिए सेल जहां डैमेज होता है, मान लीजिए आपको यहां घाव हुआ तो फिर क्या होता है, फिर क्या होता है, ये सेल पैक हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि आपके शरीर में ये पावर है कि हीलिंग पावर है कि आपका शरीर क्या होता है, नया सेल बनाता है। मतलब इसमें इसको पीजिएगा तो आपका जो सेल डैमेज है उसको क्या करेगा, पुनः आपको रिपेयर कर देगा, न्यू सेल बना देगा। इसमें विशेष प्रकार का दर्द निवारक भी है। अभी हम आप क्या करते हैं,
पेन किलर खाते हैं, पेन किलर कोई भी चीज़ हो गया तो पेन किलर खाइएगा तो आपका किडनी लेके बैठ जाएगा, पेन किलर ज़्यादा खाइएगा तो आपका क्या हो जाएगा, कैंसर में भी जा सकते हैं, ब्लड कैंसर में भी जा सकते हैं। तो ये जो नूनी जिस तरह से अगर आपको खेत बंजर होने से रोकने के लिए हम लोग गोबर छौर का प्रयोग करते हैं, इसी तरह से ये क्या है नूनी जूस है, अगर ये शरीर में अगर लेते हैं तो आपके शरीर में जो भी आपका मान लीजिए हवा पानी भोजन के माध्यम से कचरा गया इसको तो निकालेगा ही, अगर कहीं पर आपका कैंसर सेल बन रहा है इसको भी आपको कहीं आपको कहीं बढ़ने कहीं आपका बनने नहीं देगा। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ इसमें क्या है नया सेल बनाना। तो ज़्यादा नहीं सर अगर आप ये रेगुलर 2-3 को प्रोडक्ट मेरा उपयोग करते हैं, चाहे स्पैलूना नूनी ऐसे बहुत सारा प्रोडक्ट है उसका, अगर आपके पास जितना पॉकेट ये क्या हो गया कि अगर एक गरीब आदमी भी अगर बात करिएगा इसको क्या है कि साल में 2-3-4 वो पी लेना है, इसको रेगुलर लीजिएगा 1000-1200 रुपये आपका पड़ जाएगा महीना में। अगर रेगुलर रूप से अगर डिएक्शन का प्रोडक्ट उपयोग करते हैं तो मेरा टॉपिक ही है था आज कि डिएक्शन प्रोडक्ट खाने से कैंसर होने नहीं देगा। क्यों क्यों नहीं होने देगा, क्योंकि अपने लाइफ स्टाइल को अगर आप सही करते हैं, सही ढंग से जीते हैं, सही खान पान करते हैं तो कैंसर क्यों आएगा, सो पहले बताइए। आज कैंसर का जो इतना प्रकोप हो रहा है तो मेरा आपका लाइफ स्टाइल गड़बड़ है, खान पान गड़बड़ है, अभी कहीं जाते हैं समोसा बर्गर खा लेते हैं किसी हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि आज के डेट में हम लोग का खान पान ही क्या है गलत हो चुका, आपका पानी गलत हो चुका, कहीं जाते हैं पानी पी लेते हैं। भैया एक फिल्टर रखिए, आपको पता है कि जो अभी जो हम लोग का जो अभी सदी चल रहा है उसमें क्या है टोटल केमिकल, मतलब कि कहीं ना कहीं आप कोई चीज से आप इसको बच नहीं सकते हैं। तो डिएक्शन का कुछ प्रोडक्ट है जो अभी हम बताए हैं आपको, अगर इसको उपयोग करते हैं तो आने वाला समय में क्या हो जाएगा, ये जो कैंसर से अभी आदमी डर रहे हैं भैया आपको डरने का जरूरत नहीं है। अभी जैसे डिएक्शन हम डिएक्शन के माध्यम से आपको बता रहे हैं कुछ, आप क्या होइए सजग होइए, सजग हो जाइएगा तो आपको डर नहीं लगेगा। मान लीजिए अभी क्या है आप नींद में सोए हुए हैं, आपके यहाँ चोरी हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। इसी तरह से क्या हो रहा है कि आज हम लोग नींद में सोए हैं कि हम अपने शरीर में क्या लेना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए आदमी को पता नहीं है। बाद में जब कोई प्रॉब्लम में चले जाते हैं डायबिटीज बीपी कैंसर में चले जाते हैं तब जगते हैं, भैया कहाँ कैसे मेरे शरीर में कैंसर आ गया, कैसे डायबिटीज बीपी आ गया, कैसे बीपी आ गया, तब हम लोग नींद से जगते हैं, तब तक देर हो जाता है, तब तक तो चोरी होकर चले जाता है, जब तक आपके घर में बीमारी आ गया। अगर चाहते हैं कि मेरे शरीर में बीमारी नहीं है, बड़ा से बड़ा बीमारी नहीं है, तो भैया अभी से आपको सतर्क रहना। हम ये नहीं कर रहे हैं कि मेरा डिएक्शन का ही प्रोडक्ट उपयोग करिए, अपने लाइफ स्टाइल को सही करिए, खान पान को सही करिए, खान पान में ज़्यादा साग सब्जी लीजिए, अपने लाइफ स्टाइल को सवेर जगिए। आज हम भी सवेर जग रहे हैं, 5 बजे सवेर में जगिए, घूमिए फिरिए, जो पहले का जो था अभी पैर चप्पल उतार के आपको क्या करना है धूप पे ज़्यादा करिए, तो ये क्या होगा आपका डिप्रेशन से आपको बचाव करेगा। तो ऐसा ऐसा चीज़ है कि क्योंकि एक वीडियो में हम इतना दे नहीं सकते हैं, अभी बहुत सारा आदमी का 10 से 15 मिनट का वीडियो देखते हैं तो लोग कहता है कि सर इतना नहीं हो गया, देखते हैं व्यू बहुत कम जाता है। अगर 10-12 मिनट का वीडियो बनाते हैं तो देखते हैं एक ही दिन में 1200-2000-3000 आदमी देख लेते हैं। तो सर ज़्यादा हम इसको लंबा नहीं करेंगे, जो भी आदमी आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्या करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, क्योंकि देखिए आज हमको भी तकलीफ होता है क्योंकि इतना मेहनत से वीडियो बनाते हैं, और वीडियो देखिए वीडियो बनाना कोई साधारण काम नहीं है। जैसे आज हम जो बोल रहे हैं मेरी बातों से आप प्रभावित होते हैं तो क्या होता है कि बहुत आदमी का कमेंट होता है बबलू जी इसमें आप ही लोग के वजह से क्या होता है कि हमको प्रेरणा मिलता है, ठीक है। अगर आप लोग ज़्यादा ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, ज़्यादा परिवार होगा तो हम क्या करेंगे उसके लिए एक होता है ना स्टडी का, जैसे अभी रविंदर जी बुक लिए हैं कह रहे हैं सर हम स्टडी कर रहे हैं, तो हम लोग को भी स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप मेरे साथ ज़्यादा जितना जुड़ाव होंगे, जैसे अभी एक आदमी कमेंट किए और उस पर हम वीडियो बना रहे हैं, कितना अगर आप कहिएगा आपसे लगाओ भाई कि एक कमेंट हमको यहाँ पर 15 से 20 मिनट यहाँ खड़ा कर दिया और इस टॉपिक पे आपको सोचने के लिए देन एंड देयर आपको हमको क्या किया विवश कर दिया कि नहीं, अगर कोई अगर मान लीजिए इसका सोल्यूशन पूछ रहा तो कहीं ना कहीं वो आदमी आपका परेशानी में है। तो हम लोग सर वीडियो बनाने का काम करते हैं, आप लोग जाता क्या है कि अगर 9 बजे डेली 9 बजे हम लोग क्या करते हैं वीडियो छोड़ते हैं, आप लोग कुछ नहीं लाइक का बटन को करिए, 10 मिनट समय निकालिए पूरे परिवार के साथ, जैसे हम लोग भी क्या करते हैं वाइफ का मोबाइल रहता है उससे हम लोग 10-15 मिनट देख लेते हैं, उससे संतुष्टि ये चीज़ मिलता है कि हमने जो बोला कहीं मेरे बोलने से किसी को ठेस तो नहीं पहुँच रहा है, ठीक है सर। तो ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, मेरा जो नंबर है 8002075713 उस पर क्या करिए आप लोग फ़ोन भी करिए, अगर किसी तरह का परेशानी होगा उसका सोल्यूशन देंगे। गुड मॉर्निंग।